अभी तक हमने अलग अलग प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पढ़ा। चलिए अब याद करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन के नामकरण को करना सीखा था। चलिए अब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के नाम की प्रक्रिया को सीखते हैं जिनमें प्रकार्यात्मक समूह जुड़े होते हैं। हाइड्रोकार्बन का नामकरण हमने दो भागों में करना सीखा था, पूर्वलग्न जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और अनुलग्न जिसे इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। क्या प्रकार्यात्मक समूह वाले हाइड्रोकार्बन का नाम भी हम ऐसे ही करते हैं? जी हाँ, प्रकार्यात्मक समूह वाले हाइड्रोकार्बन का नामकरण भी पूर्वलग्न और अनुलग्न के द्वारा ही करते हैं। याद करें, नामकरण में पूर्वलग्न क्या दर्शाते हैं? पूर्वलग्न श्रृंखला में कार्बन की परमाणु संख्या को दर्शाते हैं और यहाँ अनुलग्न प्रकार्यात्मक समूह को दर्शाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न हम इस टेबल की मदद से लिखेंगे। आइए तो अनुलग्न को लिखना देखते हैं। ये सभी प्रकार्यात्मक समूह हैं। पहला है अल्कोहल, इसमें अल्कोहल के आखिर शब्द ओएल, तो अनुलग्न हुआ ओएल। इसी तरह कीटोन के आखिरी शब्द लेंगे तो अनुलग्न होगा ओएनई। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा ओआईसी, मतलब ओइक अम्ल। और एल्डिहाइड का अनुलग्न के लिए आगे के शब्द लेंगे एएल, तो अनुलग्न हुआ एएल। तो हमने देखा कि कैसे हम दो स्टेप में कार्बन यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक विधि पढ़ते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी यौगिक के नामकरण को लिख सकते हैं। पहले स्टेप में हम कार्बन यौगिक में कार्बन संख्या को ज्ञात करेंगे और इसके अनुसार उसका नाम भी लिख देंगे। अगले स्टेप में यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो तो कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत में से ई को हटाकर प्रकार्यात्मक समूह को लिख देंगे, जैसे कि इस उदाहरण में आप देख सकते हैं। चलिए अब कुछ यौगिकों के उदाहरण लेकर नाम करना सीखते हैं। यह है पूर्वलग्न और अनुलग्न। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। पहले स्टेप में हम यौगिक की परमाणु संख्या को ज्ञात करेंगे। यहाँ है ये 3, तो पूर्वलग्न लिख देंगे प्रोपेन। अब दूसरे स्टेप में प्रकार्यात्मक समूह लिखेंगे। यहाँ है अल्कोहल, प्रकार्यात्मक समूह है। इसके लिए प्रोपेन में से ई को हटाकर ओएल लिख देंगे, तो प्रोपेन और ओएल मिलकर बन जाएगा प्रोपेनॉल, तो इस यौगिक का नाम हुआ प्रोपेनॉल। चलिए एक और उदाहरण का नामकरण करते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार है, चलिए देखते हैं। दो कार्बन के लिए लिखेंगे इथेन और सीओचओ होता है एल्डिहाइड, प्रक्रियात्मक समूह का, जिसके लिए इथेन में से ई को हटाकर एएल लिख देंगे, तो इथेन और एएल मिलकर बन जाएगा इथेनॉल, तो यौगिक का नाम हुआ इथेनॉल। चलिए अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार है, वीडियो को रोकें और इस उदाहरण को खुद से हल करने का प्रयास करें। समय समाप्त। आइए उत्तर देखते हैं। इस यौगिक में कार्बन की परमाणु संख्या है 4, तो पूर्वलग्न क्या होगा? ब्यूटेन। और सीओ होता है कीटोन प्रक्रियात्मक समूह, जिसके लिए हम ब्यूटेन में से ई को हटाकर ओएन लिख देंगे, तो ब्यूटेन और ओएन मिलकर बन जाएगा ब्यूटेनॉन, तो इस यौगिक का नाम हुआ ब्यूटेनॉन। तो वीडियो को रोकिए और इन तीनों यौगिकों का नाम के साथ अपनी कॉपी में नोट कर लें।